पवन जी, बिग बॉस में जाने का कभी मन नहीं हुआ क्या? सभी लोग लगातार बिग बॉस से होके निकले और फिर एमपी बन गए। माफी चाहूंगा, ये वर्ड कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सांसद हो गए तो सर बिंदास जो पूछना है तो पूछिए। बिग बॉस में जाने के लिए मैंने शायद कभी आज से 5-6 साल पहले मीटिंग भी किया था, बट मुझे सर वैसी कोई दिली इच्छा हमारी नहीं है कि हम बिग बॉस में जाए, और मेरे मैं मतलब वैसी कोई सपना नहीं है हमारी कि मैं बिग बॉस में। नहीं, सारे लोग गए हैं, मतलब सिवाय आपको छोड़ के बाकी सभी भोजपुरी के जितने भी आज के डेट में जितने भी बड़े कलाकार की बात कर ले, वो सभी लोग होके आए सिवाय आपके। तो मेरे तमाम दर्शक जो थे वो, उन लोगों ने ये सवाल पूछा था कि आप पवन जी से जरूर पूछिएगा कि क्या बिग बॉस में जाने का कभी मन नहीं हुआ। मेरा मानना ये है ना सर, सॉरी मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ जी, बट मेरा मानना ये है ना, कभी भी किसी भी आर्टिस्ट को, कभी किसी कलाकार को, जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, जितना मेरा 32 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ, मैं इतना जानता हूँ जो मुझे शिक्षा मिला है कि मैं ये आपसे बोल सकूं, किसी भी आर्टिस्ट को अपना एंड कभी नहीं दिखाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम गाना गाते हैं जी, कोई भी गाना, लॉलीपॉप ही गाना हो गया, अरे तू लगा जब लिपस्टिक, तो ये मैं जब गाना तो ऑडियंस सुना तो ऑडियंस ये भाव सकता है कि मेरा आर्टिस्ट में सिंगिंग से भी आगे जा सकता है। अब मैं वही शुरू कर दू, अरे तू लगा तो पब्लिक को पता चल गया कि हाँ यही इनका एंड है, इससे आगे ये नहीं जा सकते हैं। तो कभी भी कलाकार को दायरे में रहना चाहिए। बेशक अब बिग बॉस में हम जाए, अब बरस का नहीं तका बोली, कभी मुंह से नीमन निकलो, कभी बात निकलो, कभी मुंह उठ मिल जाए, कुछ भी उठ मिल जाए, नीमन बार कुछ मुंह से निकली गई नहीं भैया, अपना इज्जत अपने हाथ में है, ये बात खुश रहे मस्त रहे, मेरी कोई सपना नहीं है कि मैं बिग बॉस में जाऊं अपना परिचय।